ओम साईनाधाय नमः। एक ऐसा परिवार जिनके पास है साई बाबा के समाधि से पहले दिए हुए आखिरी और बहुमूल्य प्रसाद। कई साई भक्तों ने लाखों करोड़ों देकर इस चमत्कारी प्रसाद को खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन वह परिवार कभी भी उस प्रसाद को बेचना नहीं चाहा, परंतु सदैव उस प्रसाद को संभाल कर रखा और पूरी भक्ति से उसे पूजते आ रहे हैं। मान्यता है कि जो भी इस प्रसाद का दर्शन करता है उसका जन्म धन्य हो जाता है। क्या था बाबा का वह आखिरी प्रसाद जो बाबा ने समाधि लेने से पहले दी थी? वह प्रसाद बाबा ने किस अंतरंग भक्त को दी थी वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साई बाबा ने एक ऐसा प्रसाद जो हर साई भक्त को जानना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, उसे अपने एक बहुत ही अंतरंग भक्त को दिया था। इस प्रसाद से साई बाबा अपने भक्तों को हमेशा के लिए एक संदेश दे गए कि किस तरह सच्चे भक्त को ही अपने गुरु और भगवान की सेवा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 42 में इस बात का पूर्ण उल्लेख मिलता है। श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे, जो बाबा की अंतरंग भक्त थी और बाबा की सेवा पूरे भक्ति और श्रद्धा से किया करती थी, साई बाबा ने उनके इस प्रगाढ़ भक्ति को देखकर उन्हें अपना आशीर्वाद देने का निश्चय किया। एक दिन जब बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे तो श्रीमती लक्ष्मीबाई वहां आई और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने श्रीमती लक्ष्मीबाई को कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। यह बात सुनकर श्रीमती लक्ष्मीबाई ने तुरंत अपने घर जाकर बाबा के लिए भोजन लेकर उस भोजन को बाबा को परोसा, लेकिन बाबा ने उस भोजन को कुत्ते को खिला दिया। यह देख श्रीमती लक्ष्मीबाई ने बाबा से प्रश्न किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बाबा ने उन्हें समझाया कि हर जीव की आकृति और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ जीव बोल सकते हैं तो कुछ बोलने में असमर्थ होते हैं, पर हर जीव की आत्मा होती है और उन्हें भी भूख लगती है। जो व्यक्ति हर जीव को खाना खिलाते हैं वे मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं, क्योंकि मैं हर जीव में व्यापित हूँ। इस बात को सुनकर श्रीमती लक्ष्मीबाई का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और वे रोज बाबा को पूरे मन से और श्रद्धा से खाना खिलाने आती थी। बाबा उनकी भक्ति को देखकर पहले 5 चांदी के सिक्के दिए, फिर 4 चांदी के सिक्के, तो कुल 9 चांदी के सिक्के बाबा ने श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे को दिए। ये 9 सिक्के भागवत में दिए गए भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। 9 भक्ति के रूप यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। सरल भाषा में कहा जाए कि जो भी भक्त अपने इष्ट देव और गुरु की पूर्ण रूप से पूजा करे, भक्ति से पूजा करे, नाम स्मरण करे, कीर्तन करे, चरण सेवा, वंदना और अपने पूरे जीवन को अपने भगवान और गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनका उद्धार स्वयं भगवान और गुरु खुद करते हैं। श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे जैसी महान साई भक्त को उनके अटूट भक्ति और श्रद्धा का बाबा ने इन सिक्कों द्वारा अपना आशीर्वाद दिया। श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे और उनके पूरे परिवार ने इन सिक्कों को पूरी श्रद्धा से संभाल कर रखा और नित्य इसकी पूजा भी करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन सिक्कों की वजह से कभी भी उनके परिवार में धन का अभाव नहीं रहा। आज भी ये 9 सिक्के श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे के परिवार वालों के पास बहुत ही संभाल कर रखे गए हैं और कभी भी शिरडी में विशेष त्योहारों और उत्सवों के मौके पर यह परिवार उन 9 सिक्कों को साई भक्तों के दर्शनार्थ वहां पर लेकर आते हैं। ऐसे कई ऑफर्स इन परिवार वालों को मिला जिसमें इस परिवार वालों ने यह दिखा दिया कि गुण भी बहुत जरूरी है और हर चीज पैसा नहीं होता। भक्ति में जितनी शक्ति होती है वह शक्ति श्रीमती लक्ष्मीबाई शिंदे के परिवार वालों के पास आज तक है। इस महान परिवार को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है जिसने साई बाबा के इस महान धरोहर को आज तक हम सारे साई भक्तों के लिए संभाल कर रखा। ओम साईनाथाय नमः।